के अंदर जाने से पहले यहाँ पे देख लो, ये जगह लॉक करने का जगह, ये गेट है। सो सेल के अंदर कोई जाने से क्यों नॉर्मली ऐसे घुस नहीं सकता, ऐसे करके उसको घुसना। I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought, I'll be free one day from society. आज जाके मैंने एडिट किया क्योंकि मेरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर का थोड़ा प्रॉब्लम था, वो वाला एडिट कंप्लीट हो गया। आज रात को वो वाला वीडियो आ जाएगा और बहुत बहुत दिन के बाद ये वाला ड्रेस पहन के अलग वाला फीलिंग्स हो रहा है। सच्ची में बिना काम के घर में बैठ रहना मेरे को तो भाई एकदम पसंद नहीं है। सो अभी जाऊंगा मेरा ड्यूटी बेसिकली सुबह से स्टार्ट हो गया। मैं एयरपोर्ट गया, पिकअप करके आ गया घर। अभी फिर लंच करने के लिए आया था, लंच मेरा ख़त्म हो गया। सो अभी जाऊंगा मैं सूरज दिल्ली, इसके लिए मैं ये वाला कैमरा को खोल के लेके जाऊंगा क्योंकि इतना बड़ा सेटअप कैरी करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए ये वाला कैमरा को मैं खोल के लेके जाऊंगा। तो बेसिकली मैं सिल्वर जेल पे आ गया, जैसे कि मैंने बोला। तो गेस्ट एंट्री भी हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी हम लोग जाएंगे सिल्वर जेल विजिट पे। तो बेसिकली ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, ये बिल्डिंग उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, और ये वाला है किचन का सेंटर, जो किचन का खाना वगैरह बन के यहाँ पे रहता था। और ये किचन वाला बिल्डिंग है जहाँ पे उन लोगों का, मतलब जितना भी प्रिजनर्स था उन लोगों का खाना बनता था। I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought, I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to. So अभी सिल्वर जेल में एंट्री हो चुका है। ये वाला जो है सेल का लाइन है। तो बेसिकली सिल्वर जेल का ओरिजिनली 7 बिल्डिंग था, अभी सिर्फ 3 बचा है। सो वो 3 में ही हम लोग जाएंगे। 3 मेन जो चीज़ ये वाला सेल में दिखने का है वो है वीर सावरकर जी का सेल, जो ऊपर में थर्ड फ्लोर में, वो वाला में तो मैं जाऊंगा। उसके पहले मैं एक एक सेल में जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि सेल कैसे था, कैसा ये होता था सब कुछ। हम लोग जाएंगे सेल के अंदर। सेल के अंदर जाने से पहले यहाँ पे देख लो, ये जगह लॉक करने का जगह और ये गेट है। सो सेल के अंदर कोई जाने से क्यों नॉर्मली ऐसे घुस नहीं सकता, ऐसे करके उसको घुसना होगा फिर जाके घुस सकता है। और इसका हाइट भी ऐसा रहता था कि कूद के भी कोई जा नहीं सकता बाहर। और ये गेट का अगर फ्रंट साइड रहेगा तो सामने वाला जो विंग्स है वो विंग्स का बैक साइड रहेगा, मतलब कोई किसी से बातचीत नहीं कर सकता। और ये टोटल 7 विंग्स था सेलुलर जेल। सो 7 विंग्स में सिर्फ 21 गार्ड था जो कंट्रोल करता था, मतलब इतना दिमाग लगाया और इतना अच्छा इंजीनियरिंग, इतना अच्छा आर्किटेक्चर था, लेकिन वो सिर्फ हम लोगों को कैद करने के लिए। बोला कि ये गेट का अगर फ्रंट साइड रहेगा तो सामने वाला जो विंग है उसका बैक साइड रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो वो वाला एक विंग है, ये वाला एक विंग है, तो इसका फ्रंट साइड मतलब उसका बैक साइड मतलब। तो ये वाला जो शेड वाला बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, ये वाला वॉच शेड है। जितना भी प्रिजनर्स, मतलब जितना भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों को सजा दिया जाता था यहाँ पे, और बहुत ही खतरनाक वाला। सो अभी हम लोग जो विंग्स में है, ये विंग्स नंबर 1। अभी इससे पहले जिस विंग्स में मैं वीडियो बना रहा था वो था विंग्स नंबर 7। और एक विंग्स है, वो है विंग्स नंबर 2। वो अभी टूटने वाला है, मतलब उतना अच्छा खास नहीं है, वो टूट फूट गया है। जैसे आप देख ही सकते हो कि ऐसे टूट फूट गया है, लेकिन विंग्स नंबर 7 जो है वो मेंटेन करके रखा है, क्योंकि उसका 7th फ्लोर में, मतलब उसका 7th नंबर विंग्स है, उसका एकदम 3rd फ्लोर में जो है वो है वीर सावरकर जी का सेल है। सो इसलिए वो वाला मेंटेन करके रखा। तो बेसिकली ये सातों विंग को कनेक्ट जो होता था, सातों विंग को कनेक्ट होता था एक वॉच टावर से, जिससे हम लोग ऊपर आए वो वाला वॉच टावर है। सो वॉच टावर में क्या होता था, एक वुडन फ्लोर रहता था जिसको फोल्डेबल होता था। सो उसको फोल्ड कर देने से सब विंग से नाता टूट जाता था, मतलब कोई विंग से कोई भी कनेक्शन नहीं रहता था। सो उससे जाके सिर्फ 21 गार्ड से ये वाला इतना सेल को, 621 सेल को कंट्रोल किया जाता था।
सो ये वाला रूम इस रूम से, मतलब ये वाला जो जेल का जो रूम है और ये वाला सेल का रूम से थोड़ा अलग इसीलिए है क्योंकि ये वाला जो रूम है ये जेलर का रूम हुआ करता था, कोई प्रिजनर का नहीं। ये सब कुछ प्रिजनर का रूम है और इसका लास्ट में, ये जो सेल में है थर्ड फ्लोर में, इसका लास्ट में जो सेल है वो है वीर सावरकर जी का सेल। दूर में जो सिटिंग अरेंजमेंट दिख रहा है ये वाला है साउंड लाइट शो के लिए। यहाँ पे साउंड लाइट शो चलता है जो 5:20 से शुरू होता है। I'm on it, I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off on a mindless topic, yeah. If I ever... बेसिकली अभी अभी सीजन शुरू हुआ है करके, मतलब फिर से लॉकडाउन खोलने के बाद जेल का हालत ऐसा है, नहीं तो जेल में पूरा भरा हुआ रहता है। मतलब जिस दिन अराइवल होता है पहला जो टूर रहता है वो सेलुलर जेल एंड साउंड लाइट शो ही रहता है ज़्यादातर गेस्ट का, तो इसलिए सेलुलर जेल पूरा भर के एकदम भीड़ रहता है पूरा एकदम। लेकिन अभी तो खाली खाली है क्योंकि अभी अभी शुरू हुआ है, सो गेस्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 16 दिन टाइम लगेगा, उसके बाद फिर से सेलुलर जेल पूरा भर जाएगा। Spreading like a rare disease, but I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is price. 3 point दिखाई देता है यहाँ पे, माउंट हैरियट, यहाँ पे नॉर्थ बे आइलैंड, बेसिकली 4 point दिखाई देता है यहाँ पे, रॉस आइलैंड और वहाँ पे, ये सिर्फ पेर है करके दिखाई नहीं दे रहा है। एकदम लास्ट पॉइंट में जो है वो है फ्लैग पॉइंट। सो ये सेलुलर जेल का जब आप छत पे आओगे तो यहाँ से आपको चारों पॉइंट, चारों साइड से इन पॉइंट आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो बेसिकली कल रात को घर आया, फिर थोड़ा समय और फिर चिल आउट किया, उसके बाद मैं सो गया था और नहीं हो रहा था, और ये कैमरा का बैटरी भी ख़त्म हो गया तो इसको भी चार्ज किया मैंने। सो अभी अभी उठा मैं, ऑलमोस्ट हो गया है, मतलब 8:45 हो गया है ऑलमोस्ट। सो अभी रेडी होना है, फिर छोड़ना है मेरे को भी, थोड़ा ऑफिस जाना है। आज जैसे गेस्ट कह रहे वेल नहीं, उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे करके, जैसे पहले प्रेशर था उतना प्रेशर ही धीरे धीरे करके बन जाएगा, अभी उतना नहीं है। सो अभी रेडी होता हूँ, व्यू को पहले छोड़ने जाता हूँ और ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर यहाँ तक आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।